इधर पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का काउंटडाउन जारी है और इमरान महज कुछ घंटे के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। हर पल इस्लामाबाद में हलचल बढ़ती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी पत्रकारों का नासिर ने बहुत बड़ा दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ को तो अभी से प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट मिलना भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर अभी से शहबाज शरीफ से मिलने लगे हैं और उनसे आगे के निर्देश ले रहे हैं। खबर यह भी है कि इमरान खान आज शाम ही इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त जो ऑपोजिशन लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है। उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलना कैसे शुरू है ये हम आपको बताते हैं। इससे पहले आपको ये बताएं कि गुज़्तर रात ही MQM के साथ मुत्तहिदा अपोजिशन का एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है जिसकी आज जो शाम 4 बजे अनाउंसमेंट होनी है, लेकिन उससे पहले ही वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मियां शहबाज शरीफ साहब को मिलना शुरू हो गया। और इस वक्त इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज हैं, जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने आकर मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें शुरू कर दी और अगली हुकूमत के लिए जो उनकी पॉलिसी है उस हवाले से उनसे गाइडलाइन लेना शुरू कर दी है। इसके साथ साथ मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के अंदर और अपोजिशन के जो दीगर रहनुमाओं उनसे अपनी जो आने वाली काबीना है उसके हवाले से भी उन्होंने मुशावरत शुरू कर दिया है। सो इस वक्त अगरचे के इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा अफवाहों का दौर दौरा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोई भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं, लेकिन उसके हवाले से ये इतला मिली कि अभी तक उन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। और ये जो खबर है जो मैं आपकी खिदमत में अभी पेश की है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है और जो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने उनसे हदायत लेने के लिए उनसे मुलाकातें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकारों का यह दावा आपने सुना कि अब बस कुछ घंटे के मेहमान अपने पद के लिए बाकी रहेगा इमरान खान। तो पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री इमरान खान देश को संबोधित कर सकते हैं। इमरान के गृह मंत्री शेख रशीद ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया था। माना जा रहा है कि इस दौरान इमरान खान अपने इस्तीफे का भी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन शेख रशीद ने कहा कि इमरान आखिरी बॉल तक डटे रहेंगे। PM साहब ने, फवाद साहब ने 10 साफियों को भी बुलाया हुआ है और मुमकिन है कि शाम को वजीर आजम कौम से खिताब भी करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी फैसला हो वो लोग जो गैर मुल्की इशारों और गैर मुल्की हमेशा मेमो गेट से लेके और सारी डॉन लीग्स तक इस मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, इमरान खान खड़ा हुआ है, आखिरी बॉल तक लड़ेगा और 3 तारीख को वोटिंग है और आज शाम को कौम से खिताब करेगा। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इमरान को अपने पद से रिजाइन करना पड़ सकता है, ये पाकिस्तानी संसद के गणित के जरिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान की संसद में कुल 342 सीट हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि इमरान के साथ जो दल हैं उनके कुल 164 सांसद जो हैं वो इमरान के साथ हैं और इमरान के खिलाफ जो संयुक्त विपक्ष है उसके 177 जो सांसद हैं वो इस वक्त विपक्ष में हैं। PMLQ के 5 हैं, GDA के 3, AML के 1 सांसद और साथ ही इमरान की पार्टी यानी PTI के 155, कुल मिलाकर 164 सांसद हो रहे हैं। वहीं इमरान के खिलाफ विपक्ष की अगर आप बात करें तो PMLN के 84 सांसद हैं, PPP के 56, तो MMA के 15 और जो दूसरे दल हैं उनके 22 सांसद जो संयुक्त विपक्ष में एक साथ इमरान के खिलाफ आ रहे हैं, इनकी संख्या इमरान के साथ वाले सांसदों से ज्यादा नजर आ रही है, यानी कि 177 नजर आ रही है और जबकि इमरान के साथ जो है वो सिर्फ 164 हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से ये माना जा सकता है कि आज शाम 5 बजे इमरान खान जो स्पीच देंगे वो हो सकता है कि उनकी आखिरी स्पीच हो। पाकिस्तानी पत्रकार राणा अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राणा जी, पाकिस्तानी संसद का गणित इस वक्त हम समझ रहे थे, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि संयुक्त विपक्ष में 177 सांसद इमरान के खिलाफ हैं, ये माना जाए कि आखिरी कड़ी है और इमरान खान को आज रिजाइन करना होगा। जी बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक रिजाइन की बात है तो रिजाइन तो वो किसी सूरत भी खुद से नहीं करेंगे। आज का जो खिताब है और आज का जो अभी मीटिंग चल रही है, इस वक्त इजलास शुरू हो चुका है जो उन्होंने अपने जो करीबी लोग हैं उनका बुलाया है, जिसमें उन्होंने साथियों को भी मधु किया है, बुलाया है उनको 14 साथियों को PM हाउस में। तो ये इजलास बेसिकली जो चंद दिन पहले एक खत जो इमरान खान को मौसूल हुआ, एक मरासला जो इनको इनके हाथ लगा जिसमें जो यू नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसकी बैक टोन कर रहा है, उसी डिटेल उसमें शामिल है
तो ये आज के इजलास का एजेंडा जो है वो बेसिकली वो खत है, उस खत को दिखाया जाएगा। उससे पहले ये फैसला किया गया था कि ये इसको पब्लिक नहीं किया जाए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसको सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया जाए, उनको दिखाया जाए। लेकिन अब क्योंकि हालात बदल चुके हैं, आपके जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आखिरी बोल तक डटे रहेंगे इमरान, क्या कोई और भी अभी रास्ता उनके लिए बाकी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, रास्ता एक तो ये है कि जो ये खत है जो नेशनल सिक्योरिटी का इस वक्त थ्रेट है, इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके लिए जो हुकूमती रुकन है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर स्टे के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। तो हमारा ये ख्याल है कि जो हालात इस वक्त इस तरफ जा रहे हैं कि आखिरी बॉल जो एक इमरान खान के पास है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस खत को उस मरासले पे इंक्वायरी ऑर्डर करती है तो जब तक उस इंक्वायरी का रिजल्ट नहीं आता तब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो रुक सकती है, वोटिंग जो है वो रुक सकती है। ये एक बॉल है या ये एक आप कह लें कि रास्ता है इमरान खान साहब के पास जो अभी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल राणा अली जी, और आप ही के एक और साथी पाकिस्तानी पत्रकार अली ताहिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर साहब, जिस तरह से राणा अली हमें बता रहे थे कि शायद एक विकल्प हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोर्ट इमरान खान जा सकते हैं, और ऐसे में देखना होगा कि क्या कोर्ट अविश्वास प्रस्ताव को स्थगित करता है, जांच अगर आखिर आगे बिठाई जाएगी तो फिर क्या फैसला होगा, क्या नो कॉन्फिडेंस को अब एक बार फिर से जो है कोर्ट द्वारा हटाया जा सकता है। बहरहाल शायद आपसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, आपसे बातचीत करेंगे। राणा अली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार पहले भी कोर्ट गई थी इमरान सरकार, उस वक्त तो डिक्लाइन कर दिया गया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को आना को लाया जाएगा, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या रुख होगा फिर कोर्ट का? नहीं देखें, पहले जो इमरान सरकार अदालत में गई है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन कर नहीं गई है, वो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि जो लोग हुकूमती पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, जो अलहदा हो गए हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं पब्लिकली मीडिया पे आके, उनके साथ क्या हल किया जाए, उनको क्या सजा दी जाए। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अभी चूंकि वोटिंग हुई नहीं है तो ये रेफरेंस अभी दायर करना भी नहीं बनता है, जब वोटिंग हो जाएगी, जुर्म में हो जाएगा तो उसकी सजा बाद, उसकी सजा का तयन बाद में किया जाएगा, आप पहले नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी गई है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो 3 तारीख को जिस पे वोटिंग होनी है उसको रुकवाने के लिए दिया गया, और उसमें रीजन ये दी गई है कि जो एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है इस वक्त खत है, जो रीजन है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की पहले उसको देखा जाए, और जब तक उसका फैसला नहीं होता तब तक दे दिया जाए। अभी इस वक्त ये सिचुएशन चल रही तो है। अब से कुछ ही देर बाद, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद अपने देश को संबोधित करेंगे इमरान खान, किन मुद्दों को सामने रख सकते हैं? अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि चूंकि पहले जो अजलास हो रहा है वो भी उसी खत को लेके हो रहा है, और साथियों को भी इसीलिए बुलाया गया क्योंकि ये मीडिया में एक क्वेश्चन हो रहा था कि शायद आप ये एक सियासी कोई मूव अपनी चलाना चाह रहे हैं, सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे पास खत है या मरासला है, जबकि हमें दिखाएं या हमें उसको बाहर निकालें, मीडिया में दिखाएं, पाकिस्तानी कौम को बताएं। तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी के मामले को सामने रखते हुए इसको पब्लिक तो नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि अजलास और मीडिया के जो चंद एक पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, बड़े सहाफी हैं, अभी तक तो वो उन सहाफियों के नाम भी सामने नहीं आए हैं कि कौन कौन किन किन लोगों को बुलाया गया है। तो बेसिकली लग ये रहा है कि उनको बुला के उनको दिखाया जाएगा कि आया कि गवर्नमेंट जो कह रही है वो सच कह रही है या झूठ बोल रही है। तो ये एक अजलास भी इसी एजेंडे पे है, और ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब अजलास में ये फैसला हो जाए कि आप पाकिस्तानी कौम को ये बता दें या ये इसको जाहिर कर दें, पब्लिक कर दें, तो हो सकता है कि इमरान खान साहब अपने खिताब में इसको पब्लिक कर दें उस बात को, लेकिन ये अभी कन्फर्म नहीं है, अभी सिर्फ एक बातें हैं और कह रही हैं। बिल्कुल राणा अली जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आपके साथ ही अली ताहिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। अली ताहिर साहब, जिस तरह से राणा अली जी बता रहे हैं कि शायद अब विकल्पों को तलाशने में लगे हुए इमरान खान, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के जो ज्यादातर सांसद हैं, जो एक आखिरी उम्मीद बाकी थी वो भी खत्म होती नजर आ रही है, वो भी पीएमएल के साथ जा चुके हैं, ऐसे में आंकड़ा जो है वो विपक्ष का भारी नजर आ रहा है, क्या इमरान खान आज घुटने टेक देंगे? मैं समझता हूँ एक जमहूरी अमल है और जमहूरी मुल्क है, वो जमहूरी अमल पूरा होगा, पार्लियामेंट जिसका कॉन्फिडेंस होगा वो वजीर आजम रहेगा। इस वक्त जो नंबर्स गेम नजर आ रही है उसके अंदर ऑपोजिशन जो है उसको 172 मेंबर्स चाहिए टू प्रोसीड विद नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो 172 नंबर्स ऑपोजिशन के पास पूरे होते हुए नजर आ रही है, एटलीस्ट जो प्राइम ऑफिशियल नजर तो यही आ रहा है।
तो बिल्कुल ये लग रहा है कि अब जो पार्लियामेंट का इजलास कल होने जा रहा है उसके अंदर जो वोटिंग होनी है उसमें बिल्कुल ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ जाए और उसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट ही ये फैसला करेगी कि नया वजीर आजम कौन होगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही हैं जो अभी नजर आ रहा है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड कि शायद ऑपोजिशन, इस वक्त जो मुल्क में ऑपोजिशन है, वहीं से कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट सामने आएंगे। आपके मुल्क से तो खबरें ये भी आ रही हैं कि ऑलरेडी शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो चुका है। नहीं देखिए, ये खबर शायद आप तक पहुंच गई होगी, वैसे ये खबर सच हो नहीं सकती क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल उसी वक्त मिलता है जिस पर कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। तो ओथ लेने से पहले तो जरूर प्रोटोकॉल मिल जाता है लेकिन इलेक्ट होना उसका लाजमी होता है। तो इस वक्त फिलहाल इलेक्शन की बात नहीं है, इस वक्त जो मोशन है वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है और उसमें सिर्फ ये फैसला होगा कि क्या पार्लियामेंट की जो मेजोरिटी है वो खान साहब को प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करती है या नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।